सेल्फ करके अलग कर चुके हैं, ये आ चुके हैं अभी तक। और ये जावा तकरीबन 6-7 अंडे देती है फिलहाल, और इसकी लेइंग अभी स्टार्ट हुई है। और ये लोकल बर्ड्स हैं, तो वाइट जावा के पट्टे हैं ये। और क्वालिटी देख सकते हैं कितना बेहतरीन इस पर काम किया हमने, क्योंकि इसके पीछे ये भी आप देखें माशाल्लाह कितने अच्छे स्ट्रक्चर में हेल्थ में है। तो अब जहाँ से आपको ये सेटअप था वो आप लोग को दिखा दें, फिर आपका नंबर चेंज दीजिए ताकि आने वाले वक्तों में जब ये तैयार हो तो एक अच्छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल के साथ मैं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद, मेरे कैमरा मैन जमशेद आसमी। आप लोग को एक बार फिर से एक सेटअप पे लेकर आए हैं। जी हाँ, उन शायकीन हज़रात के लिए खुशखबरी है जो जावा के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। आज हम एक जावा के सेटअप को कवर करने के लिए आए, जो बड़ा सेटअप है। सबसे पहले तो इस सेटअप का आप लोगों को मैं ओवरव्यू दिखाना चाहूँगा, उसके बाद आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड पर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे माशाल्लाह जावा के ब्रीडिंग पेयर है, जो इस वक्त 100% वर्किंग के अंदर है, जिनकी ब्रीड भी आ रही है। तो सेटअप को देख के तो आप व्यूवर्स समझ गए होंगे। जी हाँ व्यूवर्स, आज हम जासर साहब के सेटअप पे हैं। यहाँ पे हम लोग आते रहते हैं, अक्सर कवरेज करते रहते हैं मुख्तलिफ, जैसे लवबर्ड्स की एग्जाम है, इसके अलावा जासर साहब जो हैं जावा के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुलाकात करते हैं जासर साहब से, एक्सपर्टीज़ शेयर करते हैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जासिर साहब? खैरियत से? आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं देख रहा हूँ काफ़ी चेंजेस हो गए। पहले यहाँ पे आपने लबर्ड्स रखे हुए थे? पहले हमने लबर्ड्स लगाए हुए थे, अब ये सारा एरिया हमने जावा के लिए कर दिया। अच्छा, सारा फोकस हमने जावा को, जो मल्टी वाइटामिन चलाने हैं, जो एनवायरमेंट चाहिए, तो हमने स्पेसिफिक एरिया जावा के लिए बनाया। अच्छा, मेरे ख्याल से जिस जगह भी हम लोग खड़े हुए हैं सारे आपके ब्रीडिंग पेयर है ना? ये सारा जावा का ब्रीडिंग पेयर है, सारा ब्रीडिंग पेयर है, प्रोग्रेस आ रही है इनकी। तो उसमें कौन कौन से फॉन हैं? इसके अलावा वाइट है, सिल्वर है, हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है ग्रे जावा, वाइट जावा, सिल्वर जावा, फॉन जावा, ब्लू पेस्टल जावा, ब्लैक हेड जावा, फॉन पेस्टल जावा, ये सारी वैरायटी हम आपको अभी दिखाएंगे। अभी जो मार्केट चल रही है, मार्केट के लिहाज से आप जावा को किस लेवल पे देख रहे हैं? जावा किस लेवल पे इस वक्त? जावा का काम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है, और लग रहा है कि इंशाल्लाह ने चाहा तो आने वाले सालों में जावा का काम चलता रहेगा, क्योंकि इसमें और प्रोग्रेस हो रही है, वक्त के साथ साथ इसमें म्यूटेशन पर भी काम हो रहा है और लोग इसको पसंद भी बहुत कर रहे हैं। तो भी बस सबसे पहले इनके सेटअप पर नज़र डालते हैं, जो ब्रीडिंग पेयर है वो देखते हैं, फिर देखते हैं जासिर साहब हमें क्या दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो हम नज़र डाल रहे हैं जासिर साहब के ब्रीडिंग पेयर के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। जी जासिर साहब, ये बताएं कि कितनी एज के पेयर हैं और इनकी माशाल्लाह प्रोग्रेस कैसी चल रही है? ये माशाल्लाह आपके सामने है, ये सिल्वर जावा का पेयर है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लेइंग आ चुकी है, और इसका एक क्लच हम पहले ही सेल्फ करके अलग कर चुके हैं और ये दूसरा सीज़न है इसका। अच्छा, अब इनकी लेइंग आई हुई है? इनकी लेइंग आई हुई है, वो भी आपको हम कैमरे में दिखाएँगे। जी जासिर साहब, माशाल्लाह इनकी लेइंग आई हुई है, तो कितने एज हैं? ये माशाल्लाह आपके सामने है कि अराउंड 5 इसके अंडे आ चुके हैं अभी तक, और ये जावा तकरीबन 6-7 अंडे देती है। अच्छा, ये बताइए आपके कितने भी ब्रीडिंग पेयर हैं, कितने पुराने पेयर हैं, कितनी दफ़ा ये आप इनसे ब्रीड हासिल कर चुके हैं? ये हमारे तकरीबन 3-4 सीज़न के बर्ड्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन आपके सामने है कि अभी ये 5 अंडे दे चुकी है, इसका एक क्लच हम सेल्फ भी कर चुके हैं, वो हम जहाँ पट्टे रख रहे हैं वो मैं आपको एक साथ सारी दिखाऊंगा प्रोडक्शन। जी जासिर साहब, ये फॉन पेस्टल? ये जी बिल्कुल, ये फॉन पेस्टल का पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी लेइंग अभी स्टार्ट हुई है और ये लोकल बर्ड्स हैं। आप इनका साइज़ वगैरह, इनकी मार्किंग देख सकते हैं कि ये प्रॉपर मार्किंग के बर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी बैली पर मार्किंग है तो इनके फेस पर हेड पर मार्किंग नहीं है, इनकी हेड, इनकी टेल और इनकी बेली तीनों जगह पे इनकी प्रॉपर मार्किंग वाले प्रॉपर बर्ड्स हैं ये। अच्छा, तो ये बताइए फॉर सेल है? नहीं, इनके चिक्स अभी निकल आएंगे इंशाल्लाह वेरी सून, तो वो चिक्स अवेलेबल होंगे। अच्छा, चिकन के सेल करेंगे आप? इनकी वैसे मार्केट मार्केट कॉस्ट क्या है? इनकी मार्केट कॉस्ट, इनके जो पट्ठों की प्राइस है तकरीबन 1.5 लाख रुपये पेयर की प्राइस है, पट्ठों की 1.5 लाख रुपये पेयर की, 1.5 लाख रुपये पेयर की प्राइस। जी जासिर भाई, सबसे पहले आप ये व्यूअर्स को पट्टे दिखा रहे हैं? जी, ये वाइट जावा के पट्टे हैं ये, और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी हेल्थ कैसी है और साइज़ में, क्योंकि जावा में साइज़ बहुत मैटर करता है, और आप इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें, इनकी फ्लाइंग देखें, हमने ये अलग से इसीलिए दिखाएंगे, आजकल जावा में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं साइज़ को देखते हुए। अच्छा, तो आपने सेपरेट करके दिखाएँ व्यूअर्स को ताकि व्यूअर्स लोगों को अंदाज़ा हो, इनकी हेल्थ का अंदाज़ा हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, बताएँ कि इनकी प्राइस क्या है?
वाइट जावा जो हम सेल कर रहे हैं 4,500 रुपये के पेयर के हिसाब से सेल कर रहे हैं। 4,500 रुपये पेयर के हिसाब से। हाँ, वाइट जावा पेयर का मतलब होगा कि दो पीस होंगे, नर मादा कन्फर्म नहीं होता। पट्ठों में अक्सर लोग यही कहते हैं कि पेयर है तो नर मादा कन्फर्म होगा, पट्ठों में कन्फर्म नहीं हो पाता। कन्फर्म नहीं हो पाता नहीं, तो आप पीसेस के हिसाब से देंगे, दो पीस देंगे आप? दो पीस 4,500 रुपये के हिसाब से दो पीस। अच्छा, ये बताएं कि ये कब तक तैयार हो जाएंगे? ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सीज़न आएगा उससे पहले पहले ये रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगले सीज़न से पहले रेडी हो जाएंगे? अगले सीज़न से पहले रेडी हो जाएंगे, तो जैसे ही जब सीज़न स्टार्ट होगा तो लोगों के पास इसकी लेइंग इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फौरन शुरू हो जाएगी। कितने, 4 से 5 महीने लगेंगे इनको? इनको एटलीस्ट 5 महीने लगेंगे। 5 महीने लगेंगे रेडी जी। आते हुए मैं देख रहा हूँ कि ये सिल्वर के पट्टे हैं। ये सिल्वर के पट्टे निकले हुए हैं माशाल्लाह। आप इसमें भी देखें कितने बेहतरीन साइज़ के हैं ये। अच्छा, इनकी एज क्या है? इनकी एज भी तकरीबन 2 से 2.5 महीने की है। 2 से 2.5 महीने की है। 2 से 2.5 महीने की है। और आप माशाल्लाह क्वालिटी देख सकते हैं कितना बेहतरीन इस पर काम किया हमने, क्योंकि इसके पीछे हम इनको मल्टी वाइटमिन देते हैं और एग फूड वगैरह देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं जिसका रिजल्ट आपके सामने। और ये जितना अच्छा बच्चा होगा उतनी ही आगे अच्छी प्रोडक्शन देगा, उतनी ही हेल्दी प्रोडक्शन होगी। अच्छा खिलाएंगे तो इतना हेल्दी बर्ड होगा, उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल यही वाली बात। तो इनकी प्राइस क्या है? ये हम सेल कर रहे हैं 5,000 रुपये पेयर के हिसाब से। 5,000 रुपये पेयर के हिसाब से। और ये भी 5 महीने लेंगे तैयार होने में? ये भी फर्स्ट क्लास के हैं, इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट सीजन शुरू होगा तो लोगों के पास रेडी हो जाएंगे। अच्छा, इसमें यानी जावा में कोई से भी आप पट्ठे लेना है, मेल पे मेल का कंफर्म नहीं होगा, टू पीस देंगे? पट्ठों में कंफर्म नहीं हो सकता। अगर कोई पट्ठों में कंफर्म कर रहा है अपने तजर्बे की बुनियाद पे, तो मुझे लगता है वो भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट फेक होता है, रिजल्ट इतना एक्यूरेट हो नहीं सकता। जी जासिर भाई, ये फोन के पट्ठे हैं? ये फोन जावा के पट्ठे अलग हुए हैं माशाल्लाह। और ये भी आप देखें माशाल्लाह कितने अच्छे स्ट्रक्चर में, हेल्थ में हैं, और ये बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह। और इनका आप सांस भी देखें। अच्छा, और इनकी प्राइस क्या है? ये सेल कर रहे हैं हम 10,500 रुपये के हिसाब से एक पीस। 10,500 के हिसाब से एक पीस? एक पीस सेल कर रहे हैं 10,500 के हिसाब से। माशाल्लाह, ये साइज़ में, हेल्थ में माशाल्लाह देखें आप ये कितने अच्छे अभी ये बॉडी स्ट्रक्चर पर हेल्थ में खड़े हैं। तो इंशाल्लाह ये अपने उस फेज से भी बाहर आए हुए हैं जिसमें कहते हैं ना लोग ये रेडी बर्ड है तो ये जल्दी मरता है, सब चीज़ें होती हैं। तो हमारी कोशिश ये भी होती है कि जो बर्ड को हम उस फेज से निकाल के सामने वाले को दें, ताकि जो लेके जा रहा होता है वो अक्सर होता है नया फैंसियर होता है या फिर पहली दफ़ा रख रहा होता है जावा को, तो उस फेज से हम निकाल के देते हैं कि सामने वाले के पास सर्वाइव कर सके। तो इसी वजह से आप इनके विटामिन वगैरह के ऊपर खास, इनका हम खास तौर से इनके सॉफ्ट फूड के ऊपर, इनके एनवायरनमेंट के ऊपर, इनकी हेल्दी डाइट्स के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर गौर करके ही हम यहाँ पे इतनी बेहतरीन से ब्रीड ले रहे होते हैं। और अक्सर जो लोग हमसे लेके जाते हैं वो बाद में भी हमसे कोऑर्डिनेशन पूरी भरपूर लेते रहते हैं, और हम हमेशा अवेलेबल होते हैं उन लोगों के लिए जो 10,500 का एक पीस ले रहे हैं। 10,500 रुपये का एक पीस जी। व्यूअर्स तो देख सकते हैं कि जासिर भाई ने ये तीन हमें कलर दिखाए जावा के अंदर, जिसमें वाइट, सिल्वर और फोन। वाइट के रेट इन्होंने 4,500 दिए हैं और सिल्वर के रेट इन्होंने 5,000 दिए हैं, और फोन के जो पर पीस के हिसाब से इन्होंने 10,500 दिए। इसके अलावा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह क्वांटिटी के अंदर इनके पास पट्ठे मौजूद हैं। 2 से 2.5 महीने के पट्ठे हैं सारे? ये सारे 2 से 2.5 महीने के पट्ठे, और 5 महीने के बाद इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे ब्रीड के लिए इंशाल्लाह। और आप सबको देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इनको एक अच्छी फ्लाइंग दी हुई है, ताकि आने वाले वक्तों में जब ये तैयार हों तो एक अच्छे साइज़ में बर्ड्स तैयार। मैं देख रहा हूँ वाकई आपने जो इनके फ्लाइंग के लिए केज रखे हैं, ये साइज़ क्या है केज का? ये 3x2 है। ये 3x2 के आपने बड़े बड़े केज दिए और इन पट्ठों को आपने छोड़ा हुआ ताकि अच्छी फ्लाइंग ले सकें। अच्छी फ्लाइंग सर। ठीक है, तो ये बताएं जासिर साहब माशाल्लाह से कितने पट्ठे इस वक्त अवेलेबल आपके पास? इस वक्त हम देखें तो तकरीबन 100 दाने वाइट के होंगे और 100 दाने सिल्वर के होंगे, और 40-50 दाने जो है फोन के भी अवेलेबल होंगे। प्लस इसके साथ साथ अभी हमारे पास बैकअप में जो मौजूद हो रहे हैं वो ब्लू पेस्टल के भी मौजूद हो रहे हैं, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें दिखाएंगे। ब्लू पेस्टल के भी तैयार हैं आपके? ब्रीडिंग आ रही है उनके जी। ब्लू पेस्टल भी है, इसी तरह से ब्लैक हेड जावा भी है, और फिर साथ में फोन पेस्टल जावा भी है। तो ये सब जावा की म्यूटेशंस भी इंशाल्लाह हम आपको अपने फार्म से देंगे। अच्छा, खुसूस तौर पर आपका फोकस ये था कि आज व्यूअर्स के लिए जावा लेकर आए पट्ठे, ताकि जो नई फैंसियर हैं, जो न्यू फैंसियर हैं, जो रखना चाहते हैं। आपके रेफरेंस से बहुत सी कॉल आती रहती हैं कि भाई जावा की ब्रीड आ गई, जावा की ब्रीड आ गई। तो ये वीडियो बनवाने का मकसद ये है कि उन सबको एक साथ ही पैगाम चले जाएगा कि भाई ब्रीड आ गई है, जिसको चाहिए थी वो सब ले लें। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं जासिर साहब ने आज हमें जावा के पट्टे दिखाए हैं, और हमारे न्यू फैंसियर जो रखना चाहते हैं, जो बर्ड्स की ब्रीडिंग चाहते हैं कि हम स्टार्ट करें और सेटअप लगाएं, तो वो परचेजिंग कर सकते हैं।
और आप लोगों को बता दूं कि सेटअप के बर्ड जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं और जासूस साहब अपने बर्ड्स का खास ख्याल रखते हैं, तो इसी वजह से आज हमने यहाँ पर आए और विजिट किया और आप लोगों को दिखाया। तो देख सकते हैं कि तीन कलर के अंदर इस वक्त जासूस साहब के पास जावा के पट्टे मौजूद हैं, जिसमें फॉन, इसके अलावा सिल्वर और ग्रे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जासूस साहब इंशाल्लाह अगर आप लोग रब्ता करेंगे तो जासूस साहब आप लोग का प्राइस के अंदर भी काफ़ी ख्याल करेंगे जी। इंशाल्लाह ख्याल करेंगे। और सबसे पहले मैं न्यू फैंसीज़ के लिए या फिर जो लोग दूसरे बर्ड्स रखते हैं और जावा में आना चाहते हैं उनको ये कहूँगा कि क्वालिटी और साइजेस जावा में बहुत मैटर करती है। लोगों को पहले इस बात की अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब साइज़ बहुत मैटर करता है। जितना अच्छा बर्ड का साइज़ होगा उतनी अच्छी प्रोडक्शन होगी, तो इस वजह से थोड़ी सी हमारी क्वालिटी पर फोकस ज़्यादा होता है। हम बार बार क्वालिटी का इसीलिए कहते हैं कि हम उसको उस तरह के इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, उस तरह के न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करते हैं, उस तरह का उसको सब चीज़ें देते हैं ताकि वो बरकरार रह सकें, स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकें। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ काफ़ी हेल्दी हैं, साइज देखें, एक्टिव हैं, फ्लाइंग पूरी हैं इनकी भरपूर है, कोई बर्ड हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो जिसमें कोई वो, माशाल्लाह सारे हेल्दी हैं और अच्छी फ्लाइंग के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल 100%। इसके अलावा व्यूवर्स एक बात आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप एक सेटअप से बर्ड परचेज करते हैं तो जो सेटअप की ब्रीड होती है वो आपको बर्ड मिलता है, और जो आप मार्केट से या दूसरी जगहों से परचेज करते हैं बर्ड कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, कितने घंटे का सफ़र तय करके आ रहा है, किस स्ट्रेच में आ रहा है, इसका हमें नहीं पता होता। तो जब भी आप लोग परचेजिंग करें तो सेटअप से परचेज किया करें। तो अब जासूस साहब का जो सेटअप था वो आप लोग को दिखा दें, उनसे रब्ता नंबर शेयर करते हैं और मैं उम्मीद करूँगा आपके साथ कॉपरेट भी करेंगे। जी जासूस साहब, मेरा फ़ोन नंबर है 0300-264-9594 और हमारा फार्म है नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में। अच्छा जासूस साहब, इसके अलावा गाइडेंस के हवाले से व्यूअर्स को जिस तरीके से भी आप गाइड करेंगे, जिनको भी केयर देंगे, तो आप अच्छी तरीके से भरपूर गाइड करेंगे ताकि बिल्कुल। और ये तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, आपके सारे व्यूअर्स जो हैं उनको, चाहे वो बर्ड उन्होंने लबर्ड रखा हो, उन्होंने कॉकटेल रखा हो, उन्होंने फाइट डब रखी हो, जितने भी व्यूअर्स हैं जो फ़ोन करते हैं, जितनी हमें नॉलेज है हम वो सारी शेयर करते हैं, बेफिक्र हो जाइए। ठीक है जासूस साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स आपसे रब्ता करेंगे तो आप इंशाल्लाह उनके साथ कॉपरेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। तो दिलखुसूस व्यूअर्स, आप लोग के लिए आज एक ऐसा सेटअप लेकर आए थे, न्यू फैंसियर जो जावा रखना चाहते हैं उनके लिए खासकर ये खुशखबरी है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। मैं आप लोगों को फिर से एक ओवरव्यू भी दिखाना चाहूँगा वाइंड अप करते हुए, कि ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े केजेस के अंदर इनको एक अच्छी फ्लाइंग दी हुई, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ है। इसके अलावा साथ साथ इनके विटामिन मिनरल्स हर चीज़ का भरपूर तरीके से ख्याल किया गया है। इसके साथ साथ आप लोग को हमने इनके ब्रीडिंग पेयर भी दिखाए हैं जिसमें प्रोग्रेस आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स कि आप लोग को ये सेटअप की वीडियो पसंद आएगी, और जो हजरात खरीदना चाहते हैं वो जासूस साहब से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी सेटअप पे आएंगे, कवर करेंगे, आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। जब तक के लिए जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।